हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। महिला आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल पर बनेगी बॉलीवुड फिल्म। 2013 में अवैध खनन भंडाफोड़ से हिल गई थी अखिलेश सरकार। फिल्म निर्माता सनीर खेत्रपाल करेंगे फिल्म का निर्माण। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा होंगे मुख्य भूमिका में। दुर्गा शक्ति नागपाल ये उस महिला आईएएस का नाम है जिसने अवैध खनन माफिया की रातों की नींद हराम कर दी थी। साल 2013 में गौतम बुद्ध नगर में बतौर एसडीएम रहते हुए दुर्गा शक्ति नागपाल ने अवैध खनन का ऐसा काला चिट्ठा खोला था जिसके बाद अवैध खनन करने वालों के साथ उस वक्त की अखिलेश सरकार के माथे पर भी बल पड़ गए थे। इसी महिला आईएएस पर अब बॉलीवुड फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा है और कई मशहूर फिल्म देने वाले निर्माता दुर्गा शक्ति नागपाल पर यह फिल्म बनाएंगे। अभी तक की खबरों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फिल्म निर्माता सनीर खेत्रपाल अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा को लेकर यह फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह राजनीतिक दबाव से जूझते हुए दुर्गा शक्ति ने खनन माफिया के नेटवर्क पर प्रहार करके उसे ध्वस्त कर दिया था। दुर्गा शक्ति की इस कार्रवाई के बाद से देश भर में अवैध खनन समाचार पत्रों और चैनलों की सुर्खियां बन गया। दुर्गा शक्ति ने उत्तर प्रदेश में बालू और रेत के बड़े पैमाने पर होने वाले अवैध खनन की परतें खोल दी थी जिसकी वजह से 22 जिलों में अब इसकी सीबीआई जांच चल रही है। यहां तक कि कई जिलों के डीएम भी खनन आरोपों के घेरे में आ गए थे। उस वक्त सूबे में अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा सरकार थी और तब गौतम बुद्ध नगर में बड़े पैमाने पर बालू और रेत का अवैध खनन हुआ। उस दौरान इस जिले में खनन माफिया का बोलबाला था। इस सब के बीच ही आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल गौतम बुद्ध नगर में एसडीएम बनकर आई थी और उन्होंने अवैध खनन पर ऐसी कार्रवाई की जिससे खनन माफियाओं में खलबली मच गई थी। उनकी कार्रवाई से सूबे में राजनीति में हलचल मच गई थी। जब उनकी कार्रवाई से अवैध खनन पर लगाम लग गई तो इससे सत्ता के करीबी खनन माफिया भी बेचैन हो उठे। दुर्गा शक्ति के इस अभियान से वो यहाँ रोल मॉडल बन गई थी और उनकी चारों तरफ तारीफ होने लगी थी। वहीं अखिलेश सरकार उनसे काफी परेशान आ गई थी। बदला और केसरी जैसी फिल्में बनाने वाले सनीर खेत्रपाल ने दुर्गा शक्ति नागपाल के तंत्र में रहकर जिस बहादुरी का परिचय दिया उसी साहस को वो रुपहले पर्दे पर उतारेंगे। सनीर खेत्रपाल ने अभी इस फिल्म का नाम तय नहीं किया है लेकिन शायद इसका नाम दुर्गा शक्ति हो। कहा जा रहा है कि सनीर इस फिल्म में अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा को मुख्य भूमिका मिलाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।